हेलो माय लवली बेकर्स, वेलकम टू स्पंदन्स केक वर्ल्ड। फ्रेंड्स, ये जो इतने सारे केक्स आप देख रहे हैं, ये केक ऑर्डर मुझे कैसे मिला, कहाँ से मिला, किसने दिया मुझे इतने सारे ऑर्डर, वो आप सबके साथ आज शेयर करूँगी। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी मिलेगा इतने सारे ऑर्डर एक साथ है। फ्रेंड्स, आज दोपहर से मैं लगा हूँ ये जो केक स्पंज बनाने के लिए। ये मेरी आज की दिन भर की मेहनत है। ये वीडियो आज की है फ्रेंड्स। और ये जो स्क्वायर केक है, ये स्क्वायर केक का जो डिज़ाइन हम आज बनाएंगे, ये केक का जो वीडियो ये कल का है, यानी कि सैटरडे का है। कल की वीडियो में आज की वीडियो क्यों लाई हूँ, आगे वीडियो में आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो आइए पहले बनाते हैं ये केक की डेकोरेशन। ये पिंक कलर की क्रीम थोड़ा सा लेके ऐसे स्टेप वाले पैलेट नाइफ से पिंक क्रीम को केक में लगा ली। फिर इसको अच्छे से फिनिशिंग देना है। फिनिशिंग देने के बाद ये जो पिंक कलर की क्रीम के ऊपर थोड़ा सा न्यूट्रल जेल स्प्रेड कर ली थी, वीडियो में वो पार्ट नहीं लाई हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर न्यूट्रल जेल स्प्रेड करने के बाद इसके ऊपर हमें डिजाइन बनाना है, इसीलिए ये जो न्यूट्रल जेल को थोड़ा सा ऐसे पैलेट नाइफ से हटा ली। फिर ये 2D नंबर की नोजल से ऐसे पिंक कलर की क्रीम से हमें रोजेट्स बनानी है, दो रोजेट्स से बाएं की तरफ और दो रोजेट्स दाएं की तरफ, ऐसे उल्टा सीधा करके ऐसे बना ली। फिर वही 2D नोजल से, वो जो 2D नोजल निकाल कर वो पिंक वाले क्रीम से, फिर उसमें और एक जो पाइपिंग बैग में वही 2D नोजल देकर ये व्हाइट कलर की क्रीम भर के ऐसे रोजेट्स के बीच बीच में ये एक एक स्टार फ्लावर बना ली। फिर जो ग्रीन कलर की क्रीम बनाकर पाइपिंग बैग को वी शेप में कट करके ऐसे मैं लिप बना रही हूँ। ये पाइपिंग बैग को वी शेप कैसे देना है, वो मेरी चैनल पर वो वीडियो भी मैं अपलोड किया हूँ। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बहुत सारे डिफरेंट टाइप के फ्लावर, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के बॉर्डर और बहुत सारे इजी डिजाइन भी मैं अपने चैनल पर शेयर किया हूँ। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको वो वीडियो देखना ज़रूरी है, आपको बहुत हेल्पफुल होगी। फ्रेंड्स, कभी कभी ना हमारे ऐसे कुछ ज़रूरतें होते हैं जिसको लाने के लिए दूसरों के पास हमको जाना पड़ता है। ऐसे ही मेरे पास एक बार व्हिप्ड क्रीम थोड़ा सा कम पड़ गया था बहुत ज़्यादा ऑर्डर के कारण। हमारे यहाँ तो बेकिंग का कोई सामान आसपास नहीं मिलता है, इसीलिए जो केक बनाते हैं बेकरी शॉप, उनके पास मैं मेरी एक स्टूडेंट को भेजी थी 1 पैकेट व्हिप्ड क्रीम लाने को, लेकिन वो बेकरी शॉप वालों ने सीधे मना कर दिए थे क्रीम देने को। तो फिर मेरी एक स्टूडेंट ने एक बहुत बड़ा मिठाई दुकान जो हमारे यहाँ का बड़ा शॉप है वहाँ पर गया था। वो मिठाई दुकान वाले ने केक बनाते नहीं हैं बट केक बाहर से लाके सेल करते हैं, तो वो 1-2 पैकेट क्रीम हमेशा अपने पास से रखते हैं केक के ऊपर जो नेम लिखने को। तो जब वो मेरे स्टूडेंट्स जाके उनको क्रीम के बारे में पूछा तो वो शॉप वाले भैया ने पूछे कि क्रीम आप क्या करोगे, तो मेरी स्टूडेंट ने बताया कि हम घर में केक बनाते हैं, थोड़ा क्रीम कम पड़ गया तो काश आपके पास मिलेगा क्रीम, इसीलिए आ गई आपके पास क्रीम लेने को। तो वो शॉप वाले भैया ने क्रीम तो दिए, उसके साथ ही मेरे फ़ोन नंबर भी रखे और जो सैटरडे के दिन ये 2 केक का ऑर्डर मुझे दिए थे, उनको क्रिसमस डे के लिए केक चाहिए था। मुझे बोले कि क्रिसमस केक चाहिए हमको पर क्रिसमस ट्री नहीं चाहिए। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों, तो वो बोले कि मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया है
हम कुछ अलग डिजाइन चाहते हैं, आप दो स्क्वायर केक बना के दीजिए। अगर हमको आपका केक अच्छा लगा तो हम आपको क्रिसमस और न्यू ईयर का पूरा ऑर्डर देंगे आपको। तो दोस्तों ये दो केक मैंने बना के भेजा था उनको, ये डिजाइन इतना पसंद आया उनको कि वो बोले मैम आप जो केक दिए थे हमारे यहाँ पे आधे घंटे के अंदर आपका दोनों केक सेल हो गया, हमें ऐसे ही डिजाइन चाहिए। और वो एक बार में मुझे 20 किलो केक का ऑर्डर दिए हैं। केक ये जो केक स्पंज में बनाकर पहले दिखाया था वो केक स्पंज में 15 किलो केक का स्पंज बनाया हूँ और 5 किलो का केक स्पंज मैं कल को बनाऊंगी। ये सारे केक का वीडियो बना के मैं अपने चैनल पे शेयर करूंगी। फ्रेंड्स जो मेरे साथ हो रहा है, जो मेरे अपनी बेकिंग के टाइम में रियलाइज करती हूँ, वो सारे बात आप सबके साथ इसीलिए शेयर करती हूँ कि आप भी मेरी तरह ऐसे बड़े ऑर्डर ले सके। इसीलिए मैं हमेशा आप सबको बोलती हूँ कि अपना केक डिजाइन और टेस्ट पे ध्यान दीजिए, अच्छा प्रोडक्ट दीजिए, आपके पास भी ऐसे बड़े ऑर्डर आएगा। डेली ऑर्डर के लिए केक शॉप से कैसे डील करेंगे इस पर एक वीडियो मैं अपने चैनल पर बनाकर 2 दिन पहले शेयर किया हूँ। अगर आप अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिए। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं 2D नंबर की नोजल, N1 नोजल और नूर की 21 नंबर की नोजल को यूज करके ये केक की डेकोरेशन की हूँ। अगर आपको मेरी आज का वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ढेरों सारे कमेंट्स करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।